एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। एक बार धीरे धीरे एक जगह जुट होने के लिए सभी इकट्ठा हो रहे थे। सभी शाकाहारी जानवर एक साथ जा रहे थे। पहले गाय गई, फिर पीछे पीछे हिरण और गेंडे। उसके बाद सभी जानवर थोड़ी देर में एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पता चला कि ये सारे जानवर पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं। इतने में गाय ने कहा कि इस समय हमारे जंगल के राजा कुछ कायरे से बाहर गया है और उसके जगह पे बाघ को ये दायित्व दिया गया है कि जब तक मैं ना आऊँ तुम इस जंगल पे इस राजा की उपाधि में हो, तो हमें बाघ से पूछ लेना चाहिए। इतने में पंछी भी वहाँ आ गई और गाय ने कहा कि तुम जाके बाघ से ये बात कहो कि हम सब पिकनिक मनाना चाहते हैं, इस बारे में उनकी क्या राय है। तो पंछी बेचारी चुपचाप वहाँ से चला गया और बाघ से कहा कि बाघ महोदय, इस वक्त हम सब पिकनिक मनाना चाहते हैं, आपका क्या राय है, आपसे आदेश लेने आया हूँ। तो बाघ ने कहा, इस वक्त जंगल का राजा बाहर में है, तुम्हें ज्ञात नहीं, तो इस समय मैं इस जंगल से बाहर जाने का अनुमति नहीं दे सकता। तुम सब जंगल के भीतर ही पिकनिक मना सकते हो तब हमारे जंगल के राजा ना आ जाए, ठीक है। फिर पंछी ने कहा, जो हुक्म राजा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मुझे जाने की अनुमति दे। और वो वहाँ से चला गया। फिर उस जानवरों को बताया, जो सभी शाकाहारी जानवर एक साथ जुट थे, कि हमें बाघ ने कहा कि इस समय राजा उपस्थित नहीं है जंगल में, तो हम तुम में से किसी को भी बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता। तुम इस जंगल के भीतर ही पिकनिक बनाओ, अब आगे तुम सबका इच्छा, जैसा होगा हमें बता देना, मैं चली। वहाँ से चला गया।